देशमुख सभी को आत्मवंदन, वेलकम मास्टर्स। बहुत बहुत आपका आभार, आप जुड़े अश्वनी मैम। आज बड़े विशेष आग्रह से मैंने अचला मैम को बुलाया है। अचला मैम जो है, अचला देशमुख मैम, हम तो जानते ही हैं कि हम उनके साथ ड्रीम डिकोडिंग सीख रहे हैं, और उनका इतना ज्ञान रहता है कि कोई भी ड्रीम को वो तुरंत से डिकोड कर लेते हैं। तो उनके सानिध्य में मैंने कई सारी चीजें सीखी। इसके अलावा वो वामशी सर के जो कर्म विपाक ध्यान है, या वो जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, उसके बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। तो अचला देशमुख मैम पुणे में रहती हैं, उनके दो नॉटी नॉटी बहुत अच्छे चंचल से बच्चे हैं, और वो ध्यान भी लेती हैं। डिविनिटी पाथ या डिविनिटी विद, जी उसमें भी उन्होंने क्लासेस लिए हैं। और आज मेरा बहुत सौभाग्य, मुझे बहुत मतलब खुशी हो रही है कि अचला मैम यहाँ पर आए हैं। वेलकम मैम, अचला जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम, आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए मैम थोड़ी कोई सी आवाज, आवाज। हाँ ठीक है मैं ऐसे पकड़ लेती। तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, और थैंक यू सो मच अनुराधा जी कि मुझे आपने यहाँ इस चैनल पे हमें मुझे बुलाया। जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में प्राप्त किया है वो आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। वैसे आज हम टॉपिक जो लेंगे वो है हमारे एंसेस्टर, क्योंकि अभी जो भाद्रपद मास चल रहा है, जिसके हम पितृ के 15 डेज हम सब अपने एंसेस्टर को याद करते हैं, और उनके रिलेटेड सब कार्यों को इस दिनों में हम करते हैं। तो ये हम टॉपिक इस बार हमने चूज किया है। तो एंसेस्टर कौन है, इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं एक 5 to 6 मिनट्स एक टॉपिक को बताना चाहूँगी जिससे हम एंसेस्टर के को समझ पाएंगे। पहली बात ये है कि हर एक मनुष्य को सत्य का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। सत्य क्या है ये जानने के बाद ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपनी साधना में आगे बढ़ता है। तो वो सत्य जानने के लिए वो अपनी जर्नी को शुरू करता है। जैसे सूरज की किरणें हमारे पृथ्वी पे आती है और सूरज रहता है, उसी तरह सोल हमारा रहता है, और उसके जो अंश स्वरूप में पृथ्वी पे आके मनुष्य के रूप में यहाँ पे अलग अलग अनुभव लेते हुए अपनी जो सोल की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। इस आगे बढ़ते बढ़ते उसके अंदर जब सत्य का ज्ञान आता है, सत्य क्या है कि मैं भी एक उस ईश्वर का स्वरूप हूँ, उस सोल हूँ, सोल का अंश हूँ, या ऐसे हम कह सकते कि समंदर है और समंदर घड़े में पानी भरा है, तो हम ये कह सकते कि मैं घड़ा नहीं हूँ, घड़ा यानी शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के अंदर स्थित तो वो जो पानी है, जो आत्म तत्व है, वो मैं हूँ। इस बात का ज्ञान होना, इस सत्य को जानना, और इसको जानते जाते उसके उसके ऊपर चलना को हम धर्म कहते हैं। ठीक है मास्टर, सत्य ये है कि मैं एक आत्म तत्व हूँ। इस बात का हमारे अंदर ज्ञान होना मीन्स लाइट आना, एनलाइटमेंट प्राप्त होना, और उस जब ये पता चलता है कि मैं एक आत्म तत्व हूँ, तो उसको लेके हम एक जो हमारा जीवन चलता है उसे हम जो मार्ग कहते हैं वो धर्म का मार्ग होता है। ठीक जब हम सत्य के साथ धर्म के मार्ग में हम चलते रहते हैं, तो हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं, जो हमारे द्वारा जो डीड्स होते हैं, जैसे कि चाहे हम वो मन से करें या वचनों से करें या हमारे हाथ पैरों से करें, उससे हम कहते हैं, उस कर्म को हम कहते हैं पुण्य कर्म। ठीक है, उसको हम कहते हैं पुण्य कर्म, क्योंकि हमने पुण्य किया है। पुण्य किया यानी क्या किया कि हमारे अंदर वो ज्ञान है कि घड़े के अंदर, इस घड़े के अंदर स्थित पानी और उस घड़े के अंदर स्थित पानी एक है। ये जब ज्ञान आ जाता है तो हम दूसरों को अलग ना समझते हुए, दूसरों के प्रति समभाव से रहते हुए, उनके साथ धर्म से रहते हुए, ज्ञान से रहते हुए अपना समझते हुए, प्रेम और जो कंपैशनेट नेचर जो सोल का तत्व है उसके साथ रहते हुए, जब उनके साथ रहते तो हमारे द्वारा पुण्य कर्म होता है। तो जब जीवन व्यतीत करते रहता है तो हमारे द्वारा पुण्य कर्म होते रहते हैं। ठीक है,
तो उसका हर एक कर्म का फल ये निश्चित होता है, ठीक है, ये फल निश्चित होता है और उसे हमें भोगना पड़ता है। जैसे हमने पुण्य कर्म किया है तो उसका फल क्या होता है, जिसे हम सुख कहते हैं, ठीक है, उसे हम सुख कहते हैं, सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति आज अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि मैं एम्बियंस मेरा जो है कि आई हैव एसी फैन है मेरे पास, मेरे पास बैठने के लिए चेयर्स है, या इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, या इससे द्वारा मैं ज्ञान को प्राप्त कर रही हूँ इतने इजीली, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। वही अगर हम कुछ काल पीछे अगर देखें तो उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जैसे कि चाहे कौन सा भी मौसम हो, उस तरह के कपड़े नहीं रहते थे, चप्पल भी शायद नहीं रहते थे, उनको चल के जाना पड़ता था, गुरु को ढूंढना पड़ता था, चाहे वो पेड़ हो, उनको किसी एनिमल का आक्रमण उनके ऊपर हो सकता था, अपने आप को बचा के उस इच्छा को दृढ़ रखते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करना है, इसको करने के लिए हर एक दुख को सहन करते करते वो आगे बढ़ के वो ज्ञान को प्राप्त करते थे, ठीक है। आज जो हम प्राप्त कर रहे हैं इस तरह की जो कुछ हमारे लाइफ में जो सुविधाएं हैं उसको हम सुख ही बोलते हैं, ठीक है मास्टर। साथ में जब हम जीवन जीते हैं तो क्या हम सिर्फ सुख ही करते हैं, पुण्य कर्म ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो हम ऐसा भी कभी करते हैं, ये जो सोल की जर्नी में आधा ज्ञान, मीन्स ज्ञान थोड़ा है और थोड़ा ज्ञान नहीं, इस तरह के जब हम आते हैं तो हम पाप कर्म भी करते हैं। पाप कर्म यानी क्या, यानी उस चीज के प्रति अज्ञानता रहना, हमें असत्य का हमारे अंदर भरपूर कूट कूट के बढ़ रहे रहना, हमारे अंदर असत्य ही असत्य, मैं शरीर हूँ इस बात का अहंकार जो हमारे अंदर अरिष्ट वर्ग है इसका हमारे अंदर बहुत ज्यादा उस तत्व से हम जुड़े रहना, हम अपने आप को सिर्फ मनुष्य समझना, जिससे हम अपने आप को एक दूसरे के साथ अलग समझना, इस तरह का अज्ञान से रहते हुए हम अधर्म करते हैं। अधर्म करने यानी किसी दूसरे को, चाहे मन से हो, वचनों से हो, या कार्यों से हो, दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, कष्ट करना, कष्ट देना, ये सब जब करते हैं तो उससे जो बनना वाला कर्म होता है उसको हम पाप कर्म कहते हैं, ठीक है। पाप कर्म जब होता है तो उसका भी भोगना पड़ता है, उसको हम रोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे पुण्य कर्म को भोग बोलते हैं, तो पाप कर्म से जो आने वाला है उसको हम रोग बोलते हैं, रोग व्याधि रूपेण पीड़िता, जो हम पाप करते हैं उसका क्या रिजल्ट मिलता है, वो हमें रोग के रूप में मिलता है, चाहे मनसा हो, मानसिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे हो, या पारिवारिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, ये पता नहीं, ये कर्म के ऊपर निर्धारित है कि हमने किस तरह का पाप कर्म किया। चाहे हम पुण्य कर्म करें चाहे हम पाप कर्म करें, दोनों को भी भुगतना पड़ता है। बट हमने एक लाइफ जब जीते टाइम इस तरह के हमने कर्म किए होते हैं तो वो कर्म जो किए हैं उसको हम भोगे बिना, मीन्स उस कर्म का फल को प्राप्त किए बिना ही अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारे शरीर का अंत हो जाता है, सोल की नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फल को भोगा नहीं है। तो हम पहले ये जानते हैं कि एक सोल अपने सोल ग्रोथ के लिए कुछ लर्निंग लेसन्स लेके आते हैं, कुछ सीखना होता है उसको, साथ में वो सीखते सीखते कुछ कर्म करता है, तो जैसे बोलते हैं ना लॉ ऑफ, ये एक लॉ ऑफ कर्मा होता है कि जो हमने किया था उसको हमें भोगना पड़ेगा, ये एक मेन कंसेप्ट होता है कि नेक्स्ट बर्थ लेने के लिए। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट बर्थ लेने के लिए, कि कुछ हमारे लेसन्स बाकी रह जाते हैं, हमने किए नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि हम पाप में रह जाते हैं लास्ट बर्थ में, जिसकी वजह से वो हमने लर्निंग लेसन फुलफिल किए नहीं होते हैं, जिससे वो करना होता है, किसी की सेवा करनी होती है, इस तरह के काफी सारी चीजों को लेके एक लर्निंग लेसन लेके, डिपेंडिंग ऑन सोल की क्या स्टेज है, चाहे वो यंग सोल है या अडल्ट है, ओल्ड सोल है, उसके आधारित है वो अपनी उतने गत जन्मों को देख के वो अपना नया जीवन लेते हैं। तो हमने ये तो जाना है कि हमने पाप कर्म करते हैं पुण्य कर्म, ये सब कहाँ होता है, तो ये हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में स्थित होता है, जब ये पूरा एक स्थित होता है उसको हम बोलते हैं संचित कर्म।
पर हम पूरे संचित कर्मों को लेके दूसरा लाइफ लेते हैं क्या? नहीं, उसमें से कुछ ही अंशों को लेके हम नया बर्थ लेते। इतना तो समझ में आ गया कि लाइफ की जर्नी जब स्टार्ट होती है, सोल की जर्नी, तो कुछ कर्म करता है, उसको भोगने के लिए फिर से आना नेक्स्ट करना होता है, वो एक प्लेस पे संचित होता है, उसमें से कुछ ही हम ले लेते हैं जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध कर्म को हमें भोगना होता है। तो अब भोगना होता है तो वो सोल करे क्या भी, क्योंकि उसने कुछ किए होते हैं, तो उसको एक एक रूप चाहिए, एक शरीर चाहिए। तो वो शरीर किस कौन सा वो चूज करता है कि वो उसी सोल को चूज का मीन्स उसी फैमिली को, उसी जनरेशन को, उसी लीनेज को चूज करता है जहाँ पे उसके वो सारे जो कर्मास है, सारे जो लेसन्स है, उसको वो वहां पे फुलफिल हो। ठीक है, तो अब हम हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? एंसिस्टर। एंसिस्टर्स यानी क्या? एंसिस्टर्स यानी हमारे पूर्वज, माता पिता, माता पिता के माता पिता, उनके माता पिता। ठीक है, ये सारे कौन है? ये मेरे पूर्वज है, वैसे आपके भी पूर्वज है। ठीक है, तो ये पूर्वज जो होते हैं हमारे, वो हमारे काफी, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, अलग एंटिटी हूँ और वो कोई अलग है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो उनको मैं अपने अंदर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, वो मेरे द्वारा यहाँ पे आपके सामने। तो जब हम एंसेस्टर का बोलते हैं तो एंसेस्टर कर्मा भी होता है मास्टर। ठीक है, तो उनके भी कुछ कर्मास रह जाते हैं जो कि उनको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, आगे लेके जाना होता है, कि उनको भी वो लर्निंग ले जाए। पहले हम जानते हैं कि ये एंसेस्टर हमारे अंदर होते हैं। ऐसे मैंने अभी कहा है कि वो और मैं अलग नहीं हूँ। ठीक है, वो और मैं अलग नहीं है, तो वो कहाँ है मेरे अंदर? ये पहले हमारे अंदर क्वेश्चन आता है कि वो मेरे अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे माता पिता मेरे अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, उनके फादर, फोर फादर, उनके वो जनरेशन टू जनरेशन, मेरे से कैसे वो है, मेरे से कैसे कनेक्टेड है? तो ये हमारे डीएनए से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हम सब कण के समुदाय से बने हैं, सेल से। सेल काफी यूनाइट हो जाता है तो एक प्लेस, एक ऑर्गन बन जाता है, काफी सारे ऑर्गन्स को मिलके एक सिस्टम बनता है, काफी सारे सिस्टम्स को मिलके एक बॉडी बनता है। ठीक है, उसी तरह हर एक सेल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? जीन्स के फॉर्म में। और जीन्स कहाँ होते हैं? वो रहते हैं क्रोमोसोम में। और हर एक, चाहे एनिमल का अलग अलग होता है, तो उसी तरह हमारा हमारा मीन्स ह्यूमन बीइंग का 23 क्रोमोसोम्स के सेट्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम जीन्स बोलते हैं। जीन्स के फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन मेरे एंसेस्टर ने, जो उनके जीवन काल में व्यतीत करते वक्त जो कुछ भी सीखा था, वो उसके अंदर स्टोर्ड रहता है, जस्ट लाइक अ मेमोरी स्टोरेज हाउस। हमारे सबके फोन के अंदर मेमोरी स्टोरेज हाउस होते हैं ना, जिसमें हम फोटोज या कुछ कुछ रहते हैं, उसी तरह हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, उसके जीन के अंदर ये हमारे एंसेस्टर का जो कुछ ज्ञान है, जो उन्होंने प्राप्त किया है, वो उसके अंदर स्टोरेज करके होता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम हमारे एंसेस्टर से किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, यूजुअली अगर हम देखा जाए तो क्या होता है कि हम ऐसी कैसी चूज कर लेते हैं कि यही मेरे लिए करेक्ट है। ठीक है, तो एक दादाजी है फॉर एग्जाम्पल, और दादाजी का क्या होता है कि उनको बहुत इच्छा होती है कि मैं एक पिरामिड कंस्ट्रक्ट करूँ। ठीक है, मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बोलूँ, मुझे पिरामिड कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे पैसे सबसे लेके लेना है, लाइक डोनेशन लेके आना है, घर घर जाना है, और फिर प्लेस लेना है, वहां पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना है कि वहां पे काफी लोग आए, ध्यान करे, उनकी साधना बढ़े, इस तरह की उसकी बहुत तीव्र इच्छा होती है। बट वो इच्छा पूर्ण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इन द सेम टाइम जो एक सोल है, उसके लाइफ में भी, उसने गत काल में जो कुछ किया होता है उसका अनुभव होता है, पर वो भी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो उसको भी क्या लगता है कि उसको भी लगता है कि मैं
मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ने के लिए उसको भी पिरामिड कंस्ट्रक्शन से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ये उसके अंदर भी रहता है, उसका लर्निंग, वो सोल का लर्निंग, अंशात्मा का लर्निंग। तो वो क्या करेगा, उस लीनेज में अपना कोई स्थान बनेगा क्या, मीन्स वो वहां पे पैदा हो पाएगा, क्यों, क्योंकि उनके जीएन डीएनए में क्या है, वो इच्छा है पिरामिड कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आगे ले जा सकता है, मीन्स वो रियल में पिरामिड कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इसलिए वो क्या करता है, वो सोल उस फैमिली में, उस लीनेज में जहाँ पे वो इच्छा रह गई है करने की, सीखने की, ठीक है, वहां पे वो बर्थ लेता है। इसके साथ हम, जिससे क्या होगी, वो उसकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो वो जो एंसेस्टर है जिसके मन में वो था, तो वो क्या होगा, वो उसका क्लियर होगा, फुलफिल होगा, ठीक है, मेरे द्वारा वो फुलफिल होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इसके बारे में, इसके बाद हम दूसरा अगर देखते हैं तो और कुछ होते हैं, जैसे कि फियर है, और एक अगर बोला जाए तो एंगर के बारे में हम काफी अच्छे से बता सकते हैं। एंगर है, जैसे हमने एक अच्छी चीज बोली है, दूसरा और एक अगर दूसरा पर्सपेक्टिव देखा जाए तो एक एंगर एक लेसन है, एंगर के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है, ठीक है, उसको हरा नहीं सकते या उसको कुछ करना नहीं, उसके ऊपर विजय प्राप्त, मीन्स वो मेरे कंट्रोल में रहे, इस तरह से। बट क्या होता है, एक बॉस के फॉर्म में अगर वो व्यक्ति होता है तो उसको आदत हो जाती है कि वो क्या करता है कि वो अपनी वाइफ को भी चिल्लाता है, बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, या अपने नीचे काम करने वालों के ऊपर, या एवरीवन, सबके साथ उसको नेचुरली एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पाता वो। लेकिन वो करते करते क्या सीख लेता है कि ओ, अगर मैं मेरे बॉस से अगर मैंने झगड़ा कर लिया तो मेरी जॉब जा सकती है। तो एक लर्निंग आ गई, एक लेसन लर्न करते टाइम एक बात को समझ गया उन्होंने, एक बात को उन्होंने समझा, अंडरस्टैंड किया कि ये ब्लॉकेज आ सकता है, ये बात ऐसे करते टाइम ये बात ऐसी करनी चाहिए थी, ये करनी नहीं चाहिए, तो उसको समझ में आ जाता है कि बॉस से नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ से करता है तो डिवोर्स हो गया शायद, तो उसके अंदर क्या मेमोरी स्टेड हो गई, तो अगर मैं एंगर करूं तो डिवोर्स हो सकता है। तो उन्होंने दो पॉइंट्स पे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। पर जो नया जो सोल आता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं, उन्होंने सीखे भी नहीं होते, बट उसके अंदर वो ज्ञान आ जाता है कि एंगर मैनेजमेंट करते टाइम मुझे बॉस से ऐसा रहना है, वाइफ से ऐसा रहना है, या मेरे स्पाउस से ऐसा रहना है। तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ से, ऑटोमेटिकली नहीं आ गया, ये डीएनए से आ गया, हमारे जीन के अंदर वो ज्ञान था, वहां से वो बात हमारे अंदर आ जाती है। तो हमने ये भी समझ लिया कि एक इच्छा के साथ 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 में एक लर्निंग लेसन के साथ, दोनों पॉइंट में हम हमारे उस तरह के जनरेशन में, उस तरह के लीनेज में हम पैदा होते हैं, ठीक है। इसके साथ काफी सारे वॉन्ट्स भी होते हैं, जैसे कि वो सब सीखते टाइम, जैसे कि वो करते टाइम कुछ, वो कुछ दर्द में फील करते हैं, दर्द का अनुभव करते हैं, वॉन्ट्स आ जाते हैं, या ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उससे कैसे फेस करें वो भी थोड़ा बहुत वो सीख लेते हैं, तो वो भी हमारे डीएनए में आ जाता है। तो कभी कभी हम देखते हैं ना कि हमको, हमने कभी वो सीखा नहीं होता है वो बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगर देखा जाए तो मैंने कहीं जाके पेंटिंग या ये कुछ ऐसे सीखा नहीं है, बट मेरी मदर को बहुत अच्छा आता है तो मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ या कर लेती, तो वो मेरे अंदर भी आ जाता है। तो ये कहाँ से आ गया, तो वो वहां से आ जाता है। कुछ चीजों का ज्ञान ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे फादर्स ने, उन्होंने उनके फादर्स ने उन्होंने साधना करके उस ज्ञान को प्राप्त किया है। तो ऑटोमेटिकली जब हम उनके लीनेज में पैदा होते हैं तो वो जीन्स में वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे द्वारा बाहर आती है। तो हम अलग नहीं है, हम और वो एक ही है, हमारे अंदर ही वो रिप्रेजेंट करे, उनको मैं रिप्रेजेंट कर, ऐसे भी बोल सकते। तो अगर हम बोल सकते, और एक बात अगर हम बोले जाए तो हमारे अगर फोर फादर्स ने, जैसे काफी उन्होंने साधना की है, कुछ जानने की, भक्ति भाव ये सब किया है, तो वो हमारी साधना के लिए भी बहुत उपयुक्त होती है। मीन्स हम जब आगे बढ़ते हैं, हम स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे अंदर वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो हमें हेल्प करती है, वो जो ज्ञान है हमें हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारे एंसेस्टर,
और साथ में कुछ और चीजें जो मैं एक स्पेशली बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम बोलते हैं कि पुण्य कर्म और पाप कर्म के, जैसे हमने अभी इस टॉपिक स्टार्टिंग में सुना, उससे अगर हम लेके जाए तो एक एंसेस्टर बैगेज होता है। एंसेस्टर बैकेज यानी क्या, कि हमारे जो एंसेस्टर होते हैं वो उनका जीवन बिताते टाइम कुछ गलत काम कर लेते हैं, ठीक है। वो गलत काम करने की वजह से जो उनका जो कर्मा हो जाता है, ठीक है, उनका जो कर्मा बन जाता है वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है। एक जनरेशन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मीन्स अगर उन्होंने कुछ, एक मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ जिससे काफी इजी होगी, ठीक है। तो उदाहरण, हमारे रिसेंटली एक क्लाइंट थे, कुछ आप मैसेज है क्या? अच्छा, थोड़ा जोर से बात करो। मैम रीता मैम ओके थोड़ा अपना भी वॉल्यूम कर लें, पर मैंने भी मैं भी मुझे भी सुनाई दे रहा है, तो अपना भी अच्छा, थोड़ा एडजस्ट कर हाँ। सकते हैं। या थैंक यू मैम, थैंक तो एक उदाहरण से मैं ये एंसिस्टर बैगेज के बारे में बताऊंगी। हमारे रिसेंटली हम ड्रीम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें एक आए थे क्लाइंट हमारे, जिन जो काफी उनके लाइफ में फाइनेंशियल लॉस को फेस कर रहे थे। जैसे कि उनका कुछ बिजनेस था राजस्थान के, थे कुछ टेंट का वगैरह का, और चलता ही नहीं था वो बिजनेस, चलता ही नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उनको काफी लगता था। तो जब हमने ड्रीम डिकोडिंग से कर्मा देखने की कोशिश की, तो उन्होंने एक काफी बड़े, जो बोलते हैं ना सेंट थे, मीन्स सिख के गुरु थे, उनको बहुत उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अब्यूजिव भाषा में बात की उनसे, या उनके उनके साथ उनका उनका जो बिजनेस था उसको धोखा दिया। वहां पे जो जो बोलते हैं ना गुरुद्वारा था, वहां के पैसे लूटे, या इस तरह का किया था। तो ये क्या हो गया, ये पूर्वजों ने, किसी ने उनके फैमिली में पूर्वज ने इस तरह का कुछ कर्मा किया होता है जो एक सेंट के रिलेटेड हो जाए, या मर्डर हो जाए, या काफी सारे अबॉर्शंस हो जाए, इस तरह का कुछ एक। इतने सभी ऐसा नहीं बोल सकते, जब ये करते हैं एक, तो उनके बाद की जो बोलते हैं कि 7 पीढ़ी, 7 जनरेशन उसी बात को भोगते रहते हैं, जिसको हम कर्स कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा बैगेज हुआ, ये एंसेस्टर बैगेज भी कर्स हो गया। मीन्स किसी एक पीढ़ी को कर्स लग गया कि उन्होंने फाइनेंशियल लॉस किया, किसी सेंट को दुख पहुंचाया, दर्द दिया, तो उनका जो कर्स मिला वो उनके बाद के बाद के बाद के इसमें चलता रहता है। जैसे भी वो क्या देखते हैं, बहुत पैसा था उन्होंने लूटा, तो उनको कैसा देखना चाहिए, बस बहुत गरीबी का। पैसे भी अगर फिर भी पैसे भी कमाए तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, उनको वो उतना बोलते हैं ना कि वो भोग नहीं पाएंगे। तो इस तरह से चलता ही रहता है। बट ये जो कर्स जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं आते हैं, उसको ब्रेक कैसे लगेगा, ठीक है। तो उसको ब्रेक एक एनलाइटेड, जो स्पिरिचुअल पाथ पे जो चलने के लिए आते हैं ना, उनके द्वारा लग सकता है। क्यों, उनकी फैमिली में इस तरह का कोई अगर आ जाता है जो ध्यान साधना या इस तरह से करके अपनाए और जान ले, तो वो ज्ञान प्राप्त करेगा। क्या ज्ञान प्राप्त करेगा, कि किसी से पैसा किसी का लेना नहीं, किसी को पैसे से दुख पहुंचाना नहीं, या इस तरह का जो ज्ञान है रिलेटेड विद द फाइनेंशियल लॉसेस जो उन्होंने वो फेस कर रहे हैं, वो जब ज्ञान उनके अंदर आ जाता है, तो वो उनके डीएनए में वो जो कर्स की चल के आ रहा था वो रेज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो कैरी फॉरवर्ड होता है आगे के जनरेशन के लिए। जैसे ये कर्स आता है, उसी तरह अगर आपने काफी देखा होगा कि एक बहुत सज्जन के घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, और उसको भी बच्चा होता है तो वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी एनलाइटेड मास्टर होता है, उसको भी बच्चा होता है तो वो भी एनलाइटेड मास्टर होता है। तो बोलते हैं गुरु की पीढ़ी, पीढ़ी परंपरा की परंपरा चली रहती है। मास्टर स्मार्ट स्मार्ट बोलते हैं ना, जो एनलाइटमेंट 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 मास्टर से उनके फैमिली में लिनेज में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट आए वाले होते हैं ना, उन्होंने वो पहले का पूरा जो था, कर्सेस थे, जो लर्निंग्स थे, जो कुछ भी था, उन्होंने वो सबको क्या कर दिया, ज्ञान से उनके डीएनए के अंदर, जो क्रोमोसोम के अंदर से, वो मेमोरी को ज्ञान में कन्वर्ट कर दिया, लाइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका और मेरा भी कर्तव्य है।
आज जब हम यहाँ बैठ के ध्यान सीख रहे हैं, इतना जो गहन ज्ञान जो हमारे पितामह पत्री जी ने हमें दिया है, जो हमने गौतम बुद्ध से उनको मिला, उन्होंने हमको दिया, तो इस जिससे हम जी रहे हैं, तो हमको यही करना है। हमारे एंसेस्टर्स भी हमसे यही चाहते हैं कि हम इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के पाथ पे चले, जिससे उन्होंने जो उनके अंदर जो चीजें लेके आए थे, लर्निंग लेसन्स लेके आए थे, कर्सेस लेके आए थे, व्हाटएवर लेके आए थे, अच्छा बुरा दोनों, तो उन सबको हम बैलेंस कर पाए और हमारे आगे के जनरेशन को क्या हो के वो कैरी फॉरवर्ड ना हो, वो जो कर्मा का बैगेज है, एंसेस्टर कर्मा का बैगेज जो मैं रिप्रेजेंट करूंगी और मैं अपने लोग दूंगी, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाए और वो उससे मुक्त हो जाए। ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है आप, मैं तो ध्यान साधना कर रही हूँ लेकिन मैंने तो शादी नहीं की, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो क्लीन कर लिया, मैंने तो अपने जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उनका उनका ध्यान साधना से, ज्ञान से, मैंने तो ज्ञान से रह गई, लेकिन मुझे तो अभी बच्चे नहीं है, मैंने तो शादी नहीं की है, अब क्या होगा? तो इसमें इसका आंसर ये है मास्टर कि उन्होंने किया तो उनके जो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, उनका भाई बहन जो होते हैं, तो उनके अंदर और उनके जो सिबलिंग्स के अंदर एक कॉमन जो क्रोमोसोम के अंदर जो जीन जो आया है, ज्ञान आया है, मेमोरी आई है, जो जनरेशन से ट्रांसफर होके आई है, जो कॉमन है, इनके पास भी है, उनके पास भी है, ठीक है, तो वो इरेज हो जाएंगे, तो वो उनके अंदर भी होंगे, तो उनके अंदर होंगी, तो अगर उनकी शादी हुई है, उनको बच्चे हुए, तो वो वहां पे उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मीन्स नीस नेफ्यू जो बोलते हैं ना, उनके अंदर भी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने, आपके अंदर जो माता पिता बैठे हैं उनके अंदर से ही वो मेमोरी को आपने निकाल दिया, तो उनसे आने वाले जो बच्चे हैं, उनसे आने वाले जो बच्चे हैं, पोता पोती, सबके अंदर से वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अभी हमने दो टाइप के देखे, एक तो पाप कर्म करते हुए भी हमारे एंसेस्टर आए होंगे, गए होंगे, दूसरे पुण्य कर्म करते हुए भी आए हैं, गए हैं, ठीक है, जो इस तरह के कर्म करते हुए आए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो जो जिन्होंने बहुत सारा दर्द को सहन किया है, मैनेजमेंट करने में असफल हुए, बहुत पाप कर्म किए, जैसे कि मर्डर हो गया, दुख दर्द को सहन किया, किसी और को दुख दर्द बहुत दिया, इस तरह के पाप कर्म जो करते हैं, तो वो उनके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो हमारे कौन हो गए, वो हमारे डिसेंडेंट एंसेस्टर है, मीन्स उन्होंने उनके लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाए और वो उनके स्थिति के अनुसार उस तल में रहते हैं, ठीक है, तो वो दूसरा कंसेप्ट है, वो कभी बाद में देखेंगे कि वो तल कौन से है, किस पाप का, कौन से तल में रहते हैं, दैट इज डिफरेंट। और कुछ होते हैं जो जो हमारे एंसेस्टर आए थे हमारे लिनेज में, बट अभी वो एनलाइटेड मास्टर हो गए, वो एंसेस्टर हमारे एसेंडेंट हो गए, जस्ट लाइक अदर एसेंडेंट मास्टर, वो भी एसेंड हो गए, उच्चतम स्थिति को प्राप्त किए, ऐसे भी होते हैं, तो जो उच्चतम स्थिति को प्राप्त किए हैं वो तो चाहते ही है, पर जो डिसेंडेड एंसेस्टर है, जो ज्यादा चाहते हैं कि हम ध्यान साधना, ज्ञान साधना करें और स्पिरिचुअल ग्रो करें, वो ज्यादा चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम जब इस तरह का ज्ञान प्राप्त करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, जिससे हमारे अंदर ज्ञान आए, तो वो जो डिसेंडेड मास्टर्स जो अपनी जर्नी करते टाइम जो फेल हुए, मीन्स जो आगे नहीं बढ़ पाए, उनको भी हम रिलीज कर, इसलिए वो चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे जो फोर फादर है उन्होंने जो कुछ बुरा किया है तो वो हमारी साधना में हम आगे ना बढ़े, बोल के बोलते हैं ना, अड़थड़े बोल के सामने आके बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हम ध्यान साधना ना करें, ये ना करें, सब कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे ये वाले नहीं चाहते, तुमको तो पितृदोष लगे, पितृदोष यानी ये, पितृदोष यानी वो हमारे डिसेंडेड एंसेस्टर है, बट वो ये नहीं चाहते कि तुम आगे ना बढ़ो, वो चाहते कि तुम स्पिरिचुअल जर्नी करो, तुम सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, आगे बढ़ो, जिससे कि हमको तुम उस तल से लेके आ सको, ठीक है। इसके साथ में जो एसेंडेड एंसेस्टर है वो भी हमारे अंदर मौजूद है, डिसेंडेड जैसे है वो भी है,
तो होता क्या है, जैसे ये भी है वो भी है, बट दोनों भी किस फॉर्म में है, वो दोनों भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हमारा जो डीएनए होता है वो सिर्फ 2% एक्टिव होता है, बाकी का नहीं। तो इनएक्टिव फॉर्म में हो रहने वाले ये हमारे एंसेस्टर को हमको क्या करना पड़ा है, ध्यान साधना से उनको एक्टिवेट करना, मीन्स उनसे एसेंडेड जो हुए हैं हमारे एंसेस्टर उनको हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, उनसे हम जब कनेक्टिविटी लेंगे तो वो हमें हेल्प करेंगे, जैसे हम एंजल्स को हेल्प मांगते हैं या किसी मास्टर्स को हेल्प मांगते हैं या थेरेपिस्ट करते हैं एंजेलिक बीइंग्स या जो मोडेलिटीज है, ये सभी का भी मीनिंग यही है कि हम किसी की हेल्प लेते हैं। तो ये हम इनके प्लेस पे हम हमारे जो एसेंड हुए एंसेस्टर्स है उनकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। उनकी हेल्प जब हमारे अंदर उतनी ऊर्जा से हम उनके उस मेमोरी को टच करके उनको हम हमारे अंदर एक्टिवेट करेंगे, तो उनकी मदद से हम जो डिसेंड हुए हैं उनको हम उनके तल से बाहर लेके आ सकते हैं। पर डिसेंडेड हुए वाले जो एंसेस्टर है उनको भी आना है कि नहीं, उनके ऊपर निर्धारित है। और हम जितनी हेल्प ले सकते हैं वो हमारे साधना के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि हम आज बैठ जाए और आपसे कनेक्टिविटी मिल गया, चलो हम इन सबको निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप किस स्तर के साधक है उसके ऊपर वो आधारित रहता है। ठीक है, साथ में हम बोलते हैं कि हम जिस धर्म से जुड़े होते हैं उस धर्म के रिलेटेड हम इस पितृ के पक्ष में उनको याद करते हैं, हमारे एंसेस्टर को। काफी लोग उनके पिंड प्रदान करते हैं या श्राद्ध पक्ष करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, या कोई कोई लोग जैसे कि स्पिरिचुअल गाइड्स एंजल्स को बुला के हीलिंग करवाते हैं, कोई कोई क्रिस्टल्स का यूज करके भी कराते हैं। अलग अलग मॉडलिटीज होते हैं, जैसे कि हम सब क्या है, हम सब ध्यान साधना से जुड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, ध्यान करके हमारे अंदर की ऊर्जा को इतना बढ़ा के डीएनए तक हमारे उस एनर्जी को लेके जाके वहां पे स्थित वो जीन्स को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, बदलना यानी अज्ञान से ज्ञान के रूप में उसको लेके आना। ठीक है, साथ में हम क्या होता है कि इस तरह के जब हम बोलते हैं ना कि आम का पेड़ लगाओगे तो आम का पेड़ आएगा, नीम का पेड़ लगाओगे तो आम का पेड़ कैसे आ सकता है, वैसे ही हमारे जो कर्म है वो उसी तरह से हमको जब वो एक्टिवेट होना है, ठीक है, उसी टाइम पे हमको वो एंसेस्टर की हीलिंग करनी है, एंसेस्टर से कनेक्ट होना है, उनकी हेल्प लेनी है, डिसेंडेड एंसेस्टर को भी उससे रिलीज करवाना है ये ज्ञान की, वैसे ही आप। तो मैंने कुछ मेरे ध्यान में मास्टर्स को क्वेश्चन पूछे थे, तो वो क्वेश्चंस क्या थे एंड उसके रिलेटेड जो मुझे आंसर्स मिले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो जब मैं मास्टर से कनेक्ट हुई थी तो मैंने पूछा था एंसेस्टर कौन है, वो कहाँ रहते हैं एंड मेरे अंदर वो कहाँ से कनेक्टेड है और वो मेरे से कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन टू द मास्टर। तो मास्टर का आंसर था, एंसेस्टर मीन्स हमारे पूर्वज है, एंसेस्टर आपके अंदर डीएनए में स्थित रहते हैं, डीएनए आपके एंसेस्टर का पार्ट है और डीएनए के द्वारा वो तुमसे, वो मुझसे कनेक्टेड है, और जो हमारा डीएनए होता है वो 2% ही एक्टिव होता है एंड 98% जो हमारा डीएनए होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है या अनयूज्ड फॉर्म में होता है। आप स्ट्रांगली चाहते हो अपने आप को रिचार्ज करके, ध्यान साधना करके कंप्लीटली रिएक्टिवेट करते हुए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना करते हुए जब आप स्ट्रांगली अपने डीएनए से कनेक्ट कर पाते हो, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट कर पाते हो, तो वो जो एंसेस्टर होते हैं वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आपको कंटिन्यूअसली हेल्प करते रहते हैं, लेकिन आप अपने आप को वहां तक नहीं लेके जाते, इसलिए उनकी हेल्प आपको नहीं मिल पाती। एंड क्योंकि वो आप हमें हेल्प करने के लिए तत्पर भी रहते हैं, आप उस लीनेज वंश के हो जिसके आपके एंसेस्टर है, आपके एंसेस्टर का वर्क आपके द्वारा किया जा रहा है, आपके एंसेस्टर आपके डीएनए द्वारा आपसे कनेक्टेड है, मींस वो हमसे, हमारे डीएनए से कनेक्टेड है
और हम जो आज जो कार्य कर रहे हैं, हम अपने आप को इंडिविजुअल एंटिटी ना समझते हुए हमारे एंसिस्टर हमारे द्वारा क्या करवाना चाहते हैं वो ही हम कर रहे हैं। आज यहाँ पे बैठ के आपको ये मैं ज्ञान दूँ, दिस इज व्हाट माय एंसिस्टर वांट टू डू इन देयर लाइफ, लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा, हम कैसे उनसे कनेक्ट कर पाएंगे उनके वर्क को करने के लिए। ठीक है, अभी तो मैं बोल रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, बट यूजुअली एक्चुअल में वही मैं कर रही हूँ कि वो चाहते हैं, ये मेरा खुद का कुछ तो है कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी सोल प्लान कुछ तो है, वो भी अंश मात्र में मेरे डीएनए में आ गया है ना। तो वो कहते हैं कि जब आप ज्यादा से ज्यादा साधना करेंगे, अपने इनर से कनेक्ट होकर डीएनए तक जाएंगे, आपकी एनर्जी वहां तक आपको जब पहुंचाएगी, आपके एंसिस्टर्स का जो ज्ञान था, मीन्स जो डीएनए में मदरी थी, वहां पे आप कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर कनेक्टेड विद देम। मीन्स आपकी साधना ही आपको बता पाएगी कि यस वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इज वो उनकी भी इच्छा थी। ठीक है, ये ऐसे ही हम नहीं बता पाएंगे, ये आपकी साधना के स्तर पे जाने के बाद आपके इनर से ही आपको समझ में आएगा। एसेंडेड एंसेस्टर की हेल्प से डिसेंडेड एंसेस्टर को हम एसेंड करने के लिए या अपने साधना को आगे लेके जाने की मदद ले सकते हैं क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। मास्टर ये कह रहे थे इसका कि एसेंडेड मास्टर भी हमारे अंदर है, डिसेंडेड भी हमारे अंदर है। जब हम ध्यान साधना इतना ज्यादा करके जो उच्चतम स्तर पे पहुंचे वाले हमारे जो एंसेस्टर से हम कनेक्ट करते हैं तो वो ज्ञान आ जाता है। तो ये ज्ञान से साधना, साधना से जो ज्ञान प्राप्त होगा हमारे एंसेस्टर से, उससे पॉसिबल होगा कि हम डिसेंडेड एंसेस्टर्स को भी एसेंड कर पाए। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। एसेंडेड मास्टर्स से हम हमारे एनर्जी साधना से कनेक्ट करेंगे, तो फिर जब मैम हम मैम ये जो आप बोल रहे हैं ना डिसेंडेंट और असेंडेंट, पहले आपने एक वाक्य बोला कि ये शायद हम लोग इतना हमारे में जब हमारी मतलब पात्रता होगी या हमारे में इतना ज्ञान होगा, तो ये दोनों बात थोड़ा सा मेरे को मतलब अभी आप बोल रहे कि उनको कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट यानी हम ही है, वी आर द डिवाइस हियर, बोथ ऑफ देम इन इनसाइड अस ओनली इन अ फॉर्म ऑफ डीएनए, इन डीएनए के अंदर जो जीन्स है दोनों मेमोरीज है। आप ही आप अपने आप को अगर चेक देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल उपवास चल रहा है, ठीक है, तो आपको भूख को कैसे कंट्रोल करना ये आ जाता है, आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो क्या बोलते हैं वो फेमिनाइन ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना, भूखमारी, जो कि भुखमरी काफी, हाँ फेमिन, भुखमरी हाँ फेमिन तो उन्होंने काफी दिनों तक तो खाया नहीं था, पानी पीने को नहीं था, तो उनके अंदर वो डीएनए के अंदर वो आ गया ज्ञान। तो आज जब मैं एक दिन उपवास करना चाहती हूँ तो मेरे अंदर वो फाइट आ जाता है कि मैं रह सकती हूँ। तो ये जैसा आ गया, जैसे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए का ज्ञान आ गया, जैसे एक चीज को डील करने का ज्ञान उनसे आ गया, बट ये ज्ञान हमारे एंसेस्टर से आता है, बट वो जो सोल आई होती है उनकी, राइट, अंशात्मा, वो एसेंड हुई होती है या डिसेंड हुई होती है? क्यों? किसने मर्डर किया, गलत काम किए, गलत कृत्य किया, जिसलिए डिसेंड हो गए। जो अच्छे कृत्य किया, अच्छे कर्म किया, वो एसेंड हो गए, दिस इज द फैक्ट। तो जब हमने जो अच्छे कर्म किए वाले हैं तो वो कहाँ रहेंगे? वो उनकी एनर्जी लेवल जो रहेंगे वो उच्चतम रहेंगे, जस्ट लाइक अवर मास्टर्स, गुरु के स्तर पर, एंजल्स के जैसे। ठीक है, मास्टर जो बोलते हैं ना उसके रूप में वो रहेंगे, उनके स्तर पे रहेंगे। जब हम उनसे हम कनेक्ट करेंगे तब हम बोलेंगे कि जो ये मेरे लोअर एनर्जीज है, रिलीज इट। जो हम इवन कर्म विपाकम में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैंने ना गत काल में, गत जन्म में मैंने अज्ञानता के वशिष में जाके मैंने एक एनिमल को मार डाला था, ठीक है, बट अभी मुझे ज्ञान आ गया है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। वो एनर्जी रिलीज होती है, सेम हियर ऑल्सो हैपन्स, बट विद द हेल्प ऑफ अवर जो एसेंड हुए वाले मास्टर्स है वो हेल्प करेंगे, और वो देंगे क्या हमें? ज्ञान देंगे, द क्लैरिटी वो देंगे कि एक्चुअल में क्या रिलीज करना है, क्या नहीं। और वो बोल रहे हैं कि एसेंडेड मास्टर से सिर्फ हमको डिसेंडेड मास्टर को ही करना है नहीं, होते हुए एसेंडेड एंसेस्टर जो होते हैं
वो हायर विजडम, ओके, और हायर एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, और उनके अंदर वो शक्ति होती है कि जो रियलिटी जो आज मैं भोग रही हूँ उसको वो चेंज कर पाए। तो इफ मेरी जो परिस्थिति है वो अगर बदल रही है, ठीक है, चेंज हो रही है, इफ आई एम कनेक्टेड विथ माई एंसेस्टर, राइट, तो समझ लेना कि उनकी जो उच्चतम एसेंडेड हुए वाले जो मास्टर्स है, जिनका जो ज्ञान है, शक्ति है, वो मुझे मदद हो रही है मेरे आज की परिस्थिति को बदलने के लिए, ठीक है। और एक बात होती है इसमें, डिसेंडेड एंसेस्टर आपके हायर ज्ञान से कनेक्ट हो गए। ये कैसा होता है, यहाँ पे वही है, डिसेंडेड एंसेस्टर जो होते हैं हमारे, वो आपके अंदर स्थित उस हायर ज्ञान से कनेक्ट होके चेंज होंगे। जैसे मैं बदलू, मेरी आदत क्या है, स्टबर्न नेचर है मेरा, ठीक है, एक नेचर है, ठीक है, ये मेरे डिसेंडेड एंसेस्टर का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं चेंज कर दिया, इट्स ऑटोमेटिकली चेंज द डिसेंडेड एंसेस्टर, राइट, हियर चेंज, वहां पे चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ एसेंडेड। क्यों? उनके पास ज्ञान है, वो शक्ति है जो मैं ध्यान से एक्सेस कर रही हूँ। एंड फिर तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या इंटेंशन पुट करना चाहिए ध्यान में, मेरे एसेंडेड एंसेस्टर प्लीज मुझे आपके हेल्प करो क्योंकि मुझे डिसेंडेड एंसेस्टर को करना है, इस तरह का कुछ करना चाहिए क्या, ये मेरा क्वेश्चन था, तो हेल्प लेके कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर, वो ऐसे ही करेंगे, जब आप आपके एंसेस्टर से जुड़ना चाहते हो, साधना से उनका काम करना चाहते हो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं काम, ये हमारे साथ उनको उनका भी है, क्योंकि रिप्रेजेंट हम उनको कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, रिकनेक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं हमसे, वो रिकनेक्शन करते हैं, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ध्यान साधना से जब बोलते हैं कि प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, तो दे गेट रेडी टू ओपन द डोर, और रिकनेक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बोलते कि ओ तुम कुछ तो हो, तुम कुछ करना चाहती हो, तुम चेंज करना चाहती हो, ठीक है, ओके, मैं ओपन कर लेता हूँ, वो रिकनेक्शन कर लेते हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली एंसेस्ट्रल हीलिंग? कुछ प्रयत्न पूर्वक हीलिंग करनी होती है क्या, या हम अपने आप को हील करते ही, हम अपने आप को हील करते ही उनको भी हील हो जाता है क्या, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन। तो एंसेस्टर हीलिंग मीन्स एंसेस्टर हीलिंग नहीं करते हैं, ठीक है, पर वो संपूर्ण ज्ञान देते हैं, और आपके डीएनए में जो 2% एक्टिव डीएनए होता है उसको संपूर्ण एक्टिव करवाते हैं, जिससे आपके अंदर हीलिंग पावर आ जाती है। तो ऊपर जो एंसेस्टर है वो हमें ज्ञान देंगे, वो हमको हीलिंग नहीं करेंगे, वो ऐसा आके इधर आके इनको चेंज कर दो, दे वोंट डू लाइक दैट। वो क्या करेंगे, वो दे विल गिव द ज्ञानम, वो ज्ञान हमको देंगे, वो ज्ञान से हमको क्या हो जाएगा, हमारा डीएनए जो 2% ही है इनएक्टिव फॉर्म में, वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो जब एक्टिवेट होगा, हाँ, तो हमारे अंदर पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, वो शक्ति से हम वहां पे हीलिंग कर सकते हैं। तो इससे हमें स्ट्रेंथ भी मिलती है, जिससे अपने आप को हील कर सकते हैं, स्ट्रेंथ नॉलेज आपके एंसेस्टर से जो मिलता है, जो डीएनए से द्वारा हमको एनहांसमेंट, डीएनए एनहांसमेंट होता है, जो हम बोलते हैं ना हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है, यही कॉन्शियसनेस एक्सपैंड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब सेल्फ रियलाइजेशन में कैसे उपयोग, मीन्स कैसे कैसा मार्ग है, ये मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन एक जो व्यक्ति करना चाहता है तो उसके लिए ये सारी चीजें कैसे कैसे पर्याप्त होगी, या ये कैसा उपयोग होगा इसका। देखिए, अपने एक प्लान या पर्पस को लेके हम सब लोग आते हैं, माया लोक में, भूलोक में आते हैं, मदर अर्थ पे आने के बाद यूजुअली क्या होता है कि मदर अर्थ के को ये प्लान पता चलता है कि ओ दिस इज व्हाट द प्लान ऑफ दिस, ये जो आया है सोल उसका है, तो वो ऑल पर्पसेस को, ऑल इंटेंशन को भूलोक में ही छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लेते हैं, फिर यहीं पे छोड़ के जाते हैं। दिस इज व्हाट द सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मैंने दूसरा टॉपिक यहाँ पे छेड़ दिया है, सॉरी, ये कुछ दूसरा है, ये दूसरे क्वेश्चंस है, तो इतना ही हम लेते हैं, ये टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं कि एंसेस्टर जो होते हैं वो हमारे, मेरे द्वारा ही मेरे एंसेस्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन के रूप में वो रहते हैं, हमारी ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना जब हम करते हैं तो हमारे
जो डीएनए में, जो इनएक्टिव फॉर्म में जो ज्ञान पड़ा है, जो हमारे एसेंडेड एंसेस्टर का है, वो विजडम के रूप में, ज्ञान के रूप में मेरे अंदर जागरूक होता है। उस जागृति से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे अंदर स्ट्रेंथनिंग पावर एनर्जी देता है, वो एक तरह का हीलिंग देता है, जिससे हम अपने आप को बदल के हमारे जो डिसेंडेड एंसेस्टर के जो क्वालिटीज को हम जो कैरी कर रहे हैं, जो जीन्स को हम कैरी कर रहे हैं, उसको हम बदल सकते हैं। जिससे बोलते हैं ना कि एसेंडेड एंसेस्टर की हेल्प से हम डिसेंडेड एंसेस्टर को हम एलिवलेट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम असेंड कर रहे हैं। दिस इज आवर टॉपिक मास्टर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू मैम अच्छा जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2-3 बार ये सुनना सुनना पड़ेगा दोबारा से। तब मेरी मतलब ऐसा नहीं कि मेरी समझ नहीं आया है, पर अभी बहुत सतही लेवल पर समझ आया है। और इंटेंशन देख के, ध्यान करके, ये जो गुण डिसेंडेंट आत्माओं से मतलब असेंडेंट मास्टर्स के ज्ञान से हम अपनी भी मतलब जो ये भौतिक जीवन है उसको परिवर्तन कर सकते हैं। और बाकी तो विजय खारे जी, आपने वीडियो ऑन किया है, या कोई और कोई प्रश्न या कुछ कुछ टिप्पणी टीका टिप्पणी करना चाहे तो प्लीज। थैंक यू मैम सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई आज आप आए और बहुत अच्छा लग रहा है। विजय जी सर, मैडम आपको आत्मबंधन, प्रणाम मैडम, प्रणाम। हाँ हमारे टीम से और याद बहुत है अच्छा किया मोदन आपने आज सेशन ले लिया, बहुत ही अच्छा किया। सर। मैं कितने दिनों से रिक्वेस्ट करता था मैडम सेशन लीजिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है मैडम ने सेशन लिया है। पहली बार ही दिख रहा हूँ मैं मैडम सेशन ले रही है, तो लाइव ज्वाइन हुए वेरी ना, गुड। वैसे हाँ हमारा तो होता ही है। अच्छा, ओके ओके। मुझे तो आज लिंक भेजा मैडम ने, तो मुझे लगा, और टॉपिक बहुत अच्छा हमारा लिया गूगल ये। मीट पे होता है ना ड्रीम डिकोडिंग का, वहां पे तो हाँ लाइव ही ड्रीम होती डिकोडिंग का हूँ होता है, लेकिन लाइव नहीं मैं। हुआ ऐसा, लाइव मतलब आपसे फेस टू फेस नहीं हुआ था। देखिएगा आज मुझे भी बहुत, मैंने जब वो कैमरे पे आई ना, मुझे इतनी खुशी हुई विजय जी, मैं बता नहीं सकती, बहुत हाँ ज्यादा बहुत एक्चुअली क्या है, ज्यादा। वो एनर्जी ज्यादा फील हो रही है मैडम की, अगर हाँ कैमरे तभी मैंने बोला कि पे मैं आया ना। इतना, हाँ मैं बहुत खुश थी। जी, बहुत अच्छा लगा विजय जी आप आए। और कोई और मास्टर कुछ इसमें कुछ अपना पूछना चाहे प्रश्न, या कुछ मैम को कहना चाहे, पहली बार हमारे उस पे आए हैं, उनके ध्यान यात्रा के बारे में हम पूछ सकते हैं। मैं तो हाँ ये कह रहा हूँ कि मैडम को ऐसे सेशन और भी लेना चाहिए, क्योंकि हाँ ये जो है ना अभी पितृपक्ष चल भी रहे हैं, तो ये सही समय पे इतना अच्छा टॉपिक लिया, बहुत अच्छे से समझ में आया, क्लियर भी किया। 2% डीएनए एक्टिवेट होता है हमारा, तो मैडम की अच्छी बात ये है कि मैडम साइंटिफिकली भी बता रहे हैं, स्पिरिचुअली भी बता रहे हैं, और पुराने धर्म धारणाएं के हिसाब से वो भी कर रहे हैं, तो सारे जो एस्पेक्ट है ना वो क्लियर हो जाते हैं, तो ये जी बहुत अच्छा है। जी कंटिन्यू करिए मैडम सेशंस को। थैंक यू, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर। थैंक यू टाइम थैंक मेरे अकॉर्डिंग को आपको रखना पड़ेगा। यू। हाँ बिल्कुल, आपके ही ठीक अकॉर्डिंग रखेंगे मैम, 3 बजे का ही रखेंगे। आप बताइए आप कौन से दिन आ रहे हैं, ये मैं 3 बजे का ही रखेंगे। है, ठीक है मैम, बोलूंगी मैम आपको। ठीक है मैम। बस क्योंकि कोई किसी ने माइक नहीं ऑन किया, मैं ही बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने वो कर्म विपाक ध्यान में जो देखा था कि लोग खाने खाने पर आए थे और वो खाना खा रहे थे, तब आपने ये वर्ड डिसेंडेंट एंसेस्टर्स बोला था। तो आज वो जो मैंने कर्म विपाक ध्यान में जो मतलब मेरी एक्सपीरियंस हुई, उसका मुझे ध्यान मतलब उसका जोड़ के मैं अब समझ पाई हूँ कि वो किस तरह से आए थे। तो जी मैम, एक्चुअली क्या होता है कि हम जिस धर्म में पैदा होते हैं, ठीक है, उस धर्म के कुछ नियम नहीं बोलना चाहती, बट एक वे ऑफ लिविंग रहता है, ठीक है, इस तरह से रहना है, ये करना है, ये रहता है, तो उस अनुसार वो रहने वाले सारे हमारे जो अभी हमने जो टॉपिक को किया है, वो भी मेमोरी से वो कैरी फॉरवर्ड आती है। तो आज हम बोल सकते हैं कि मैं आंखें बंद कर लूंगी, मैं हमारे प्राण से इन सभी से कनेक्ट हो जाऊंगी, एंड मैं बोलूंगी कि सभी एंसेस्टर्स आप को तो मैं ये करती हूँ। तो ये क्या होता है, ये भाव के लेवल पे होता है, भाव के मीन्स इमोशनल लेवल पे, यू आर आस्किंग फॉरगिवनेस, मैं आपको याद कर रही हूँ, ये सब होता है, ठीक है। बट वही हमारे जो इसमें लिखा है कि जो हम पिंड प्रदान करते हैं, ये सब करते हैं, ये गलत नहीं है। दीज आर ऑल्सो द स्टेजेस, ये भी एक स्तर है, स्टेज है, कि कुछ कुछ वो उसी फॉर्म में आके ओके उसको आस्वाद करते हैं, याद मुझे इसी फॉर्म में आप करते हैं, इस तरह का भी रहता है। तो ये करना
एकदम गलत है और यही करना बहुत सही है, ऐसा कभी नहीं होता है। पिता महापति जी बोलते भी यही है कि बैलेंस रखो। तो हमारे घर में जो रेडी है, जैसे कि कुल देवी है, कुल देवत है, या ये सब है, तो उनका जो कुछ करना है तो वो भी हमें करना चाहिए, जिससे हमें, अगर जिससे हम अपने आप को भावनात्मक स्वरूप से उनसे कनेक्टेड है ऐसा लगता है, तो ये गलत नहीं है। कोई भी चीज यहाँ पे पिछले मंडल से गलत नहीं है, सब कुछ अनुभव के लिए ही है। तो जैसे आपने कहा कि कर्म विपाक में ध्यान आप कर रहे हो, तो काफी सारे सोच आपके आ रहे हैं, तो आपने एक यूनिवर्सल लेवल पे अपने अंदर जब एनर्जी जागृत है, फिफ्थ या सिक्स बॉडी से जाके यू आर जस्ट कनेक्टेड विद द एक एनर्जी हमारा पृथ्वी मंडल की होती है, ऑरा होता है, उससे आप जब कनेक्ट होते हैं तो वहां पे क्या सोर्स कर रहे हैं, तो वो देखा है आपने। आपने देखा है कि काफी सारे सोर्स है, वो आपके परिचित है या नहीं है, यू डोंट नो, दे आर कमिंग। क्यों? क्योंकि अभी सब लोग ये मास होने की वजह से अपने एंसेस्टर को खाना दे रहे हैं, तो क्यों? आप गए वहां पे यूनिवर्सल लेवल पे, आप जाके वो चित्र को देख के आए हैं। इन द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि इसमें से आपके भी कोई है, तो आपके इसको भी बुला के भी वो आप कह सकते कि वो देखिए, यूजुअली क्या होता है, बोथ आर डिफरेंट, ये सोल फॉर्म में नहीं जा रहे, हम एंसेस्टर हीलिंग यानी हमारे डीएनए के लेवल पे जा रहे हैं, एंड अर्थ बॉन्ड सोल्स का डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि वो अगर सोल्स है तो किसी बात से अटक गए हैं, तो उनको गाइडेंस दे के हमको उनको रिलीज करना है। तो वो बीइंग अ सोल गाइडिंग मास्टर वो कोई भी कर सकता है, पर एंसेस्टर के रिलेटेड आपको पर्सनली आपको करना चाहिए। आप खुद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरे लिए आप नहीं, आपके लिए मैं नहीं, तो ये सही रहता है। क्योंकि मेरे अंदर जो डीएनए के क्वालिटीज है, तो ये मैंने चूज किया, ये मैंने टास्क लिया है, मैंने अपने अंदर वो क्या बोलते हैं, मैंने उसको चैलेंज लिया है कि मैं इससे डील करूंगी, ये करूंगी, तो मेरे अंदर जो है वो आपके अंदर नहीं है। इसलिए हर एक का अलग अलग दिखता है, बट सीख वही रहे हैं, कुछ लर्निंग लेसन आपने ले लिया, कुछ मैंने नहीं लिया। तो जो आपके ध्यान का जो अनुभव है, बहुत अच्छा है कि आपने करते जाके उनको देखा, इट्स जस्ट एक्सपीरियंस लेवल। और कोई कुछ एक शब्द कहना चाहे मैम को, एंड मोस्ट वेलकम एनी टाइम मैम, 3 PM मोस्ट वेलकम। अन्नपूर्णा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रणाम मैम, आत्मवंदन मैम का बहुत वंदना ही अच्छा लगा आज, क्लियरिटी मिली बहुत बहुत ज्यादा है। कभी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि घर में कुछ होता है, प्रवचन सुनने में या गुरुजी का कुछ कहना होता है, कंफ्यूज होता है ये सही है कि ये नहीं, तो मैम ने साइंटिफिकली नहीं, बहुत हर अच्छा। एक का सही है मैम, हर एक सही है, क्योंकि सज्जन सांगत्य है वो, गुरु के सान्निध्य में बैठे उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी साधना से जो ज्ञान प्राप्त किया है, या उन्होंने वेदों को या हर एक चरित्र को किस तरह से एनालिसिस किया है, उन्होंने उनके मुखर मुख से मीन्स वो ज्ञान आ रहा है, ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है, वो सज्जन सांगत्य हो रहा है, वो आपके एनर्जी को, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाता है। ये सही ये गलत, या ये ही गुरु बड़े हैं और ये छोटे, इसमें नहीं जाए, सबके सज्जन सांगत्य सही होता है। इसका एक सज्जन सांगत्य के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जो मैंने आज ही सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नारायण के जो नारद मुनि होते हैं ना, वो जाते हैं नारायण के पास और कहते हैं कि प्रभु तो मुझे बताइए कि ये सज्जन संगति क्या होती है। हम जो करते हैं ना, कि एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, या कोई एक स्पीकर आता है जो बात करता है, वो अपने अनुभव बताता है, अपना ज्ञान शेयर करता है, दूसरे सुनते हैं, वो सुन के भी एक्सपीरियंस का अनुभव करते हैं, तो ये होता क्या है, तो उन्होंने पूछते हैं, और नारद मुनि स्वयं बहुत तपस्वी है, सब कुछ है, फिर भी जिसकी वजह से वो जान नहीं पाए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है, कि सज्जन साने से होता क्या है, तो तभी वो तक कर लेती है। तो नारद मुनि को बोलते हैं नारायण कि तुम क्या करो, तुम जाके वो स्वर्ण सो लोकेशन से जंगल में एक कूड़ा क्या बोलते हैं, कुआ है सॉरी, उस कुएं में एक गिरगिट है, उसके पास जाओ और पूछो कि सज्जन संगत क्या होता है।
अभी प्रभु ने बोला है तो उन्होंने सुना और सुन के वो गए और जाके उस गिरगिट को ढूंढा, ढूंढ के पकड़ा, पकड़ के पूछा कि गिरगिट जी बताइए सज्जन संगत क्या होता है। तो बोलते ही वो गिरगिट तुरंत ही मर जाता है। तो लगता है कि इन्होंने तो कुछ बताया नहीं और मुझे यहाँ पे भेजा है। ठीक है कहता है, फिर बाद में फिर से वो जाते हैं नारायण कि आपने तो मेरे से पाप कर्म करवा दिया, वो मैं पूछते ही वो गिरगिट मर गया और मुझे तो उत्तर मिला ही नहीं कि ये सज्जन संगत होता है कि। तो तब वो बोलते कि नहीं, तुम एक यहाँ हस्बैंड को लोकेशन पे जाओ, वहाँ पे एक पैरट है पक्षी, तो उसके पास जाओ और उसको पूछो सज्जन संगत। तो वो बोलते ठीक है, अभी प्रभु ने बोला है तो जाना ही चाहिए। उनके पास जाते हैं, ढूंढते वो बर्ड पकड़ देते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे सज्जन संगत क्या है, तुरंत वो बर्ड भी मर जाता है। फिर से वो लोग क्या आते, वो बोलते कि आपने तो दूसरा भी मुझे पाप करवा दिया, गिरगिट मर गया, ये पैरट भी मर गया, अब क्या करे। तो वो बोलते हैं कि तुम क्या करो, सो एक गांव है, उस गांव में एक गाय है, गाय को अभी बछड़ा होने वाला है, उस बछड़े से जाकर पूछो कि सज्जन संगत क्या है, वो बताएगा। तो बोलते हैं कि आप फिर से मुझे कुछ करवाने वाले, तो वो बोलते हैं नहीं, प्रभु की वाणी पे हमें विश्वास रखना है, चलो चलते हैं। तो वो जाते हैं, जाके वो बछड़ा पैदा होता ही गौ माता से बछड़ा, तो बछड़े के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बताओ मुझे बछड़े जी, ये सज्जन संगत होता क्या है। तुरंत वो बछड़ा भी मर जाता है। फिर से ये परेशान हो जाते हैं, यार तीसरा भी कर्म हो गया मुझे। तो फिर से वो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या करूँ, आपने से मुझसे तो तीसरा भी गो हत्या का भी पाप आ गया मेरे ऊपर, और आपने भी बताया नहीं और उन्होंने भी बताया नहीं, ये होता क्या है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अभी तुम क्या करो, स्वयं से एक राज्य है, उस राज्य के रानी जो है वो गर्भवती है, वो प्रसव की पीड़ा में है और उसको एक लड़का होने वाला है, तो तुम उसको जाके पूछो कि ये सज्जन संगति क्या होता है। ये बोलते हैं अब यहाँ पे तो वहां जंगल में था गिरगिट, वो भी जंगल के पेड़ में था, किसी ने देखा नहीं, किसी ने मुझे कुछ किया नहीं, ये भी गांव में था, वो भी बछड़ा था, बेचारी गौ माता इतनी करुणामयी थी कि उसने भी कुछ नहीं किया, बट ये तो महाराजा है, राज्य का राजा है, उसको पुत्र होने वाला है, अगर मैं वहां गया और पूछा और अगर वो मर गया तो पाप तो लड़ेगा लगेगा ही, साथ में होगा क्या कि सब डंडे से मारेंगे मुझे, मुझे पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या होगा, ये सोच में पड़ जाते हैं। फिर भी अभी प्रभु ने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। फिर वो आ जाते हैं, प्रसव होते ही वो बच्चे से पूछता है कि बताओ मुझे सज्जन सांगत्य का क्या है, सज्जन सांगत्य बताओ। तो वो छोटा बच्चा बहुत थिकी थिकी थिक करके हंसने लगता है, ये परेशान हो जाता है, ये भी बता तो नहीं रहा है, सिर्फ हंस रहा है। तो वो बोलता है कि वो बोलते हैं मुनीश्वर, नारद मुनीश्वर, आप कितनी बार मुझे एक ही सवाल पूछोगे सज्जन सांगति क्या है। ये बोलते मैंने तो पहली बार ही पूछा है आपको। तो बोलते नहीं 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 आपने पहली बार नहीं पूछा है, आपने मुझे बहुत बार पूछा है, जब मैं बावी के अंदर बैठ के गिरगिट की तरह था, गिरगिट की योनि में था, और आप जैसे मुनीश्वर आके मुझे पूछने लगे कि सज्जन सांगति क्या है, तो मैं वो नाम सुनते ही मुझे गिरगिट जन्म से मुक्ति मिल गई, तो आपकी वजह से मुझे गिरगिट जन्म से मुक्ति हो गई। फिर बाद में आप, मैं जब पक्षी बोल के पैदा हुआ तब आप आए, तब फिर से सज्जन सांगत्य पूछा, तो तब फिर से मैंने आपको क्या कहा कि आपने पूछा कि सज्जन सांगत्य, तब फिर से मृत्यु हो गई। तो सज्जन सांगत्य के नाम आप जैसे मुनीश्वर के नाम से मैं सुनते ही मुझे पक्षी जन्म से मुक्ति मिल गई। उसके बाद बछड़े के जन्म में भी पूछा आपने, उस जन्म में भी आपने पूछने के बाद उस जन्म से भी मुझे मुक्ति मिल गई, अब मैं राजा का बेटा बना हूँ। अभी देखो आपके स्वयं दर्शन हुए, एक मनुष्य रूप में मैं राजा का पुत्र के रूप में जन्म लिया, इतना अच्छी योनि मिली, इतना अच्छा राज्य का ये मिला, साथ में पैदा होते ही एक इतने दिव्य मुनीश्वर का मुझे दर्शन हुआ, तो इस लाइफ में मीन्स ये जन्म में मुझे मुक्ति जरूर मिलेगी। ऐसा बोल के वो थोड़ा सा बच्चा जो होता है खुशी में होता है, तब समझ में आता है सज्जन सांगत्य का महत्व, नारद मुनि को क्या है, सज्जन सांगत्य नाम ही इतना पवित्र है, इतना ज्ञान पूर्वक है। जो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अनुराधा मैम को कि आज मुझे मौका मिला, यूनिवर्स ने मुझे मौका दिया कि जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास जो था जो मैं आप सबसे शेयर कर पाऊँ। बाकी कभी हमें मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम ऐसे सज्जन सांगत्य के टाइम पे मिलेंगे एक दिन, ये टाइम डिसाइड करके, अभी मुझे लीव करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच बहुत अनुराधा मैम, बहुत योर थैंक यू। हमारी तरफ से भी आज हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं ना, वो आपने हमें दिया है, तो थैंक यू अचला मैम। और आते रहिएगा, सब हम लोग सुखी रहे, खुश रहें, आपको भी, आपके बच्चे बहुत अच्छे हेल्दी वेल्दी रहे।
थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मेरे पास शब्द कम है इस वक्त। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू अचला थैंक मैम, यू अचला मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, आते रहिए दोबारा मैम, थैंक दोबारा आइएगा, और बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है मैम, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू अचला मैम, आपने बहुत डीप ज्ञान दिया आज, बहुत अच्छा यू। लगा, थैंक यू सो मच, जी आपको थैंक देख लेती तो मुझे भी समझ में आता कि मैं किससे बात कर रही हूँ। यू, ओके थोड़ी थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। ये हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स के कुछ कोलिग्स हैं, और अश्विनी मैम तो आप जानते ही ओके हो, और मधुलिन मैम, और ये हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट के एक साथ ये हम लोग। कैसा देखना चाहिए, हाँ फिश टू गैलरी व्यू क्या, ओके ओके हाँ हाँ तो नाइस नाइस, सभी को देख के बहुत अच्छा लगा, आते रहिए जस्ट मैम, जरूर आते रहिए, आपका ज्ञान लेके हमें भी कुछ फायदा होगा, जरूर हम जरूर सभी एक दूसरे को ज्ञान लेने के लिए थे है मैम। एंड मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट जो हमारे सर है ठीक है सर। उन सर, तो वो कोर्स तो था, मुझे अभी याद नहीं वो मैम्स के नाम, बट सेव्ड है उनके नंबर, तो मैंने भी वो स्टार्ट किया था कि थोड़ा मैं सीख लूँ उसमें कुछ, तो उसका भी जो मुझे कोर प्राप्त हुआ कि जो ध्यान करना ही है ना, एनर्जी को बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ एंड सभी पीड़ा से मुक्त हो, तो मुझे वो बहुत कंसेप्ट अच्छा लगा, और उसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाई शायद, अनुराधा जी के रूप में वो हम आगे ही बढ़ रहे हैं, शी और ऑल्सो सभी रिजोनेंट, सभी काउंसलर्स हैं मैम यहाँ पर, और बहुत बहुत सबको धन्यवाद, और मैं आपको दोबारा से टच में रहूंगी। अश्विनी मैम बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, विजय जी बहुत बहुत सबको धन्यवाद, देख के बहुत थैंक अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, यू मैम, थैंक यू, मैं रिकॉर्डिंग भी पोस्ट करूंगी, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। आभार आभार, थैंक यू।